हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि ओप्पो का एक स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो A53 मॉडल ब्लास्ट हुआ है किसी एक स्टेट में, जो काफ़ी चर्चा में है अभी। उनको कुछ मतलब कंपनी की ओर से नया फ़ोन भी मिला वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, उस वीडियो पे आज हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों। 1 से 3% चांसेस है कंपनी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट की वजह से अपना स्मार्टफोन ब्लास्ट होता है। बट क्या दोस्तों, आपको पता है कि 97 to 98% अपनी गलती से फ़ोन ब्लास्ट होता है? जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और अपना स्मार्टफोन भी ब्लास्ट हो जाता है। सो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि हम लोग है ना, मतलब कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, 50-100 रुपये के चक्कर में ना, हम लोग डुप्लीकेट चार्जिंग का केबल यूज़ करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी खतरनाक भी है और मतलब उतना यूज़फुल मेरे ख्याल से तो नहीं है। लोकल केबल, एक चीपेस्ट क्वालिटी का केबल दोस्तों क्या होता है कि आपको चार्ज तो कम्प्लीटली करके देता है, बट साथ ही में अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो कर देता है पूरा डैमेज। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से अपना बैटरी बैकअप मिलना हो जाता है बंद। तो दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि कभी भी आप अगर स्मार्टफोन का केबल ले रहे हो तो वो एक जेन्युइन सर्टिफाइड या तो कंपनी से लीजिए, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन का जो भी बैटरी लाइफ है वो भी अच्छा रहेगा और ऐसे फ़ोन ब्लास्ट और बर्न होने के केसेस में अपना नाम कभी नहीं आएगा। क्योंकि ऐसी लोकल केबल्स क्या होती है कि ज़्यादा पावर आने जाने की वजह से वहाँ पे बैटरी हो जाती है दोस्तों ब्लास्ट। बिकॉज केबल होता है लोकल, तो वो जल जाता है या तो वहाँ पे मतलब स्पार्क हो जाता है और उसकी वजह से अपने फ़ोन को भी इम्पेक्ट होता है और उसकी वजह से बैटरी ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ट्राई कीजिए कि आप ऐसे लोकल केबल यूज़ नहीं करें। उसके बाद दोस्तों, साथ ही में जुड़ा है वो है चार्जर। चार्जर भी इसकी तरह आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोकल चार्जर लेने से आपका फ़ोन टेम्पररी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट आगे जाके आपके फ़ोन का अगेन अगर लोकल चार्जर है तो जब भी आपके घर की बिजली या तो ऑफिस की बिजली हाई वोल्टेज या तो कम वोल्टेज, कई बार होता है ना दोस्तों प्लस माइनस होती रहती है बिजली किसी टेक्निकल रीजन से, तो उस टाइम पे दोस्तों है ना, ऐसे लोकल चार्जर वहाँ पे वर्क नहीं करते। उसमें कैपेसिटर्स नहीं होते हैं जो पावर को लोड ले पाए, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना होने की वजह से दोस्तों आपके फ़ोन में एक हाई वोल्टेज पावर एंटर करता है और उसकी वजह से अपने फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों, केबल और चार्जर हमेशा आप जेन्युइन या तो सर्टिफाइड यूज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, ऐसा ही एक पार्ट है, वो है अपना फ़ोन का बैटरी। जी हाँ दोस्तों, कई बार अपने स्मार्टफोन की बैटरी वर्क करना छोड़ देती है तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करवाने जाते हैं। अभी दोस्तों, बैटरी का प्राइस अगर आप जेन्युइन लोगे तो सीधी सी बात है थोड़ी महंगी होगी, बट वहाँ पे हम पैसे बचाने का दोस्तों सोचते हैं और हम ले आते हैं एक मार्केट से लोकल बैटरी। उसकी वजह से क्या होता है, ना ही आपको बैटरी बैकअप मिलता है और आपका फ़ोन ज़्यादातर हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल बैटरी दरवाए। वन टाइम आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे बट आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डुप्लीकेट्स बैटरी में क्या होगा दोस्तों कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती और जब भी चार्ज में रखते हो या यूज़ करते हो तो हीटिंग के इश्यू आते हैं। और दोस्तों, क्या पता है कि जब भी आपके स्मार्टफोन अगर हीट होता है ना ज़्यादा और वो एक हायर टेम्परेचर में पहुंच जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली अपना स्मार्टफोन ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे स्पार्क होने लगता है या तो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। आपने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। सो दोस्तों, आप बैटरी भी हमेशा जेन्युइन या तो एक सर्टिफाइड ही यूज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं दोस्तों बता दूँ आप सबको कि अगर आप मेरे दोस्तों चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन हो रहा है ना, दिख रहा है ना, वहाँ पे दोस्तों आप एक बार क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले थे, वो है कि हम अपना फ़ोन रात को चार्ज में लगा के सो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम रात को सो जाते हैं। पूरी रात क्यों चार्ज में रखने का दोस्तों? अगर अपना स्मार्टफोन, आजकल के स्मार्टफोन तो दोस्तों एक घंटे आधे घंटे में फुल हो जाते हैं, फिर भी हम 1.5 घंटे में चार्ज को रखने के बाद 100% चार्ज हो जाता है, तो हम क्यों पूरी रात फ़ोन को चार्ज में रख रहे हैं? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि पूरी रात चार्जिंग में मत रखिए, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन में दोस्तों स्मार्ट फ्यूचर्स आ रहा है ओवरनाइट चार्जिंग का, कि आप उसको ऑन करके अगर पूरी रात चार्ज में भी रख रहे हो ना, फिर भी मॉर्निंग होते होते वो 100% होता है। तो ऐसे फ्यूचर्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि आप पूरी रात चार्ज में रखोगे तो दोस्तों अपनी बैटरी फूल जाती है, बैटरी बैकअप देना छोड़ देती है, और दोस्तों अगेन अगर पूरी रात चार्ज में आप रखते हो तो दोस्तों एक ना एक दिन तो आपकी स्मार्टफोन इतना मतलब हीट हो जाएगा कि आपको रात को पता भी नहीं चलेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, ऐसे जान पे खेल के हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सो दोस्तों, ट्राई कीजिए कि आप पूरी रात फ़ोन को चार्जिंग में नहीं लगाओ। उसके बाद दोस्तों, हमें सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, वो है कभी भी अपने स्मार्टफोन को हम चार्ज में लगा के जो फ़ोन पे बातें करते हैं ना ऐसे बिंदास से, वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि उससे क्या होता है पता है, कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के फ़ोन पे बातें करते हो 5-10 मिनट के लिए, अगर आप दोस्तों यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप आधा पौना घंटा दोस्तों 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर ऐसे फ़ोन पे लगे रहने वाले हो तो दोस्तों हमेशा ट्राई कीजिए कि चार्जिंग को अनप्लग करके आप यूज़ कीजिए। क्योंकि जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि अपना फ़ोन चार्ज में है,
और जब भी हम हिलते डुलते रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अपना प्लग है वहाँ पे अपना जो भी एडेप्टर है वो इन आउट यानी कि वहाँ पे खींचातानी होती है, और खींचातानी की वजह से दोस्तों पता है वहाँ पे स्पार्क होता है। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा अपने प्लग के साथ, तो वहाँ पे स्पार्क होने की वजह से दोस्तों अगेन अपने स्मार्टफोन में एक हाई वोल्टेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों फ़ोन के बात करने के टाइम अपना फ़ोन ऑलरेडी काफ़ी हीट होता है और उसको चार्जिंग भी मिल रहा है, सो दोस्तों उस टाइम पे 100 से 200 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपना फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। दोस्तों ट्राई कीजिए कि ऐसे आप कभी भी फ़ोन को यूज़ मत कीजिए। के साथ ही दोस्तों गेमिंग अगर आप खेलते हो तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स देखे, काफ़ी ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो चार्ज में लगा के दोस्तों गेम खेलते हैं, नेट भी ऑन है, गेम भी खेल रहे हैं, फ़ोन पे काफ़ी सारा दोस्तों लोड दे रखा है और हमने चार्ज इन भी रखा है, चाहे बैटरी कम भी हो रही है चार्ज भी हो रही है, तो उस टाइम पे दोस्तों अपना फ़ोन इतना हीट होता है कि एक टाइम पे मतलब फ़ोन को हीट इतना हो जाता है कि हीट बाहर निकलने के चक्कर में दोस्तों अपने फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट होती है। और ऐसे केस काफ़ी सारे आप दोस्तों गूगल पे सर्च कर लीजिए कि आपने कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो स्मार्टफोन में गेम खेलते खेलते चार्जिंग के टाइम गेम खेल रहे हैं और उसका फ़ोन ब्लास्ट हुआ है। आप प्रूफ देख लीजिए गूगल पे दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप दोस्तों आप ध्यान रखें कि कभी भी आप बैटरी को चार्ज में लगा के ना ही उतना यूज़ कीजिए, ना ही गेम तो बिल्कुल मत खेलो। और दोस्तों हाँ, अब जब भी अगर स्मार्टफोन अगर बैटरी आपने चार्ज में लगाया तो उस टाइम पर आप फ़ोन का जो बैक कवर है वो निकाल दीजिए, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन चार्ज होता है तब कुछ टाइम के लिए आपका फ़ोन है ना हीट हो जाता है, और दोस्तों ये हीट होने के हीट इतनी हो जाती है कि अगर हमने कभी हार्ड कवर यूज़ कर रखा है तो अपनी हीट फ़ोन बाहर से नहीं निकल सकती, और वो भी एक चांसेस है कि अपने स्मार्टफोन ब्लास्ट होने के। सो दोस्तों आप कवर को निकाल के हमेशा चार्ज में रखने की हैबिट लीजिए। उसके बाद दोस्तों कई बार हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कार के आगे वाले हिस्से में मेज़ पे हम अपना स्मार्टफोन रख देते हैं दोस्तों, और जो भी सनलाइट है उसकी वजह से अपना फ़ोन इतना हीट हो जाता है कि अपनी स्मार्टफोन की एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है। वहाँ पे ऑलरेडी आपको मैसेज आ जाता है कि आपका स्मार्टफोन एक हाई टेम्परेचर में है, तो प्लीज़ आप उसको पहले कूल डाउन कीजिए। तो उस टाइम पे दोस्तों अगर हमें स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों बैटरी ब्लास्ट होने का चांसेस होता है हीट की वजह से, क्योंकि जब हीट उसे मिलेगी और उतनी हीट मिलती है कि वो मतलब बाहर निकलने के लिए जैसे ज्वालामुखी कैसे दोस्तों निकलता है वैसे ही अपने फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। सो आप यूज़ करने के टाइम दोस्तों याद रखें कि अगर आपका फ़ोन काफ़ी हीट है तो आप सर्विस स्टेशन पर जाइए, वहाँ पर उसका सोल्यूशन दिखाइए, अदरवाइज़ आपको उसको कूल प्लेसेस पे रख के एसी में या मतलब खुली जगहों में रख के आप उसको कूल डाउन कीजिए और फिर यूज़ कीजिए। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हर एक के पास जाना चाहिए, क्योंकि किसी की सेफ्टी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि किसी के साथ भी ऐसा हो कि उनके हाथ में फ़ोन हो या जेब में फ़ोन हो और दोस्तों वो फट जाए। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर बिल्कुल करना। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड।